हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है जीवधारियों में नियंत्रण और समन्वय। इस चैप्टर के अंदर आपको जो प्रमुख रूप से जानकारी की आवश्यकता है उसके बारे में आज इस वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहली बात है कि संसार के जितने भी जीवधारी हैं, अर्थात जिसमें प्राण है, हम लोग जानते हैं कि प्राण किसमें है, पेड़ पौधों में है या तो फिर जंतुओं में है। तो संसार में चाहे जितने भी जीवधारी है उनके अंदर कुछ मौलिक क्रियाएं होती है। ये जो मौलिक क्रियाएं होती है जिसको कि हम जैविक क्रिया भी कहते हैं, इन जैविक क्रियाओं को करना बहुत ही नितांत आवश्यक होता है और इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण से लड़ना पड़ता है, अर्थात उसे दो ही तरह के वातावरण से सामना करना पड़ सकता है। या तो उसके शरीर के बाहर का जो वातावरण होता है जिसको कि हम बाह्य उद्दीपन कहते हैं, और एक शरीर के अंदर का वातावरण है जिसको कि हम आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। तो एक बाह्य उद्दीपन और दूसरा है आंतरिक उद्दीपन। इन दोनों उद्दीपन से हमें संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी जीव क्यों न हो। उन जीवों को, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जंतु हो, उनको इन दोनों प्रकार के उद्दीपन से, जिसको कि स्टिमुलस भी कहते हैं, इन दोनों प्रकार के उद्दीपन के बीच तालमेल बैठाना ही पड़ता है। तो संसार के जितने भी जीव है उसके अंदर ये प्रकृति क्या किया है, एक क्षमता दी है, जिस क्षमता के कारण वो क्या करता है, तालमेल बैठाने में सक्षम होते हैं। उस क्षमता को ही हम कहते हैं नियंत्रण, अर्थात नियंत्रण करते हैं और एकोमोडेशन करते हैं, जिसको कि सामंजस्य भी कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, तालमेल बैठाने की जो प्रक्रिया है उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं या सामंजस्य कहते हैं। ये सामंजस्य जब तक नहीं बैठेगा तब तक जीव जीवित नहीं रह सकेगा, अर्थात जीव को जीवित रहने के लिए ये तालमेल बैठाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे कि जीवधारियों में नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण का मतलब ये कि हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण कि हम तालमेल बैठा सकते हैं, किसके बीच में, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के बीच में, अर्थात इंटरनल स्टिमुलस और बाह्य स्टिमुलस के बीच में हम क्या करें, एक तालमेल बैठाएं ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से घटित हो। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं संचालित होते रहती है, जैसा कि आप जानते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, पोषण, उत्सर्जन, सर्कुलेशन, प्रजनन और सेंसिटिविटी जिसको कि हम उत्तेजनशीलता भी कह सकते हैं या संवेदनशीलता भी कह सकते हैं। इन ये सारे प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर घटित होते रहते हैं जिसको कि हम मूल क्रिया कहते हैं या जिसको हम जैविक क्रिया कहते हैं। चाहे जीव कितनों ही छोटा क्यों न हो, कहने का मतलब चाहे एककोशिकीय जीव क्यों न हो या बहुकोशिकीय जीव क्यों न हो, इन दोनों प्रकार के जीवों के अंदर ये मौलिक क्रियाएं अर्थात जैविक क्रियाएं हमेशा संचालित होते रहते हैं। ये बिना इन क्रियाओं के कारण कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकते हैं, अर्थात ये जैव रासायनिक क्रियाएं उसके शरीर के अंदर घटित होते रहते हैं, उसके शरीर के अंदर संचालित होते रहते हैं। रेस्पिरेशन की क्रिया या फिर पोषण की क्रिया में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेशन होती है तो उसमें हमारे शरीर के जीवित कोशिकाओं के अंदर भोज पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है
और उस ऑक्सीकरण से ऊर्जा हमें मिलता है जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं को संचालित करने में काम आता है। इसके साथ ही हमें और भी फिजिकल एक्टिविटी जो हम लोग अपने शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को करते हैं उन क्रियाओं को करने के लिए भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्सर्जन की क्रिया में हमारे शरीर के अंदर बनने वाले जो गंदगी है या बनने वाले जो अनावश्यक पदार्थ है जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। प्रजनन की क्रिया में क्या होते हैं तो अपने ही तरह का दूसरा संतान जन्म देने की क्षमता सभी जीवों में होते हैं उसको हम प्रजनन कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन जो भी हमारे शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थ हो या अनावश्यक पदार्थ हो उन सभी पदार्थों का आवागमन कराने में ये जो तंत्र होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या जिसको कि हम कहते हैं परिवहन तंत्र वो सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो तमाम जैविक प्रक्रियाएं हैं ये सारे जैविक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और किन्हीं तरीके से ये हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर एक कोशिकीय जंतु है या एक कोशिकीय पौधे भी हैं तो ये सारे प्रक्रियाएं उसके कोशिकाओं में ही संपन्न हो जाते हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार के अंग और अंग तंत्र की आवश्यकताएं नहीं होती है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उसके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं और उन अंग तंत्रों के द्वारा ये सारे प्रक्रियाएं को संचालित किए जाते हैं। अलग अलग सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम के द्वारा विभिन्न प्रकार के ये जैविक क्रियाओं को संचालित किए जाते हैं। अब हम आते हैं कि उद्दीपन जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आंतरिक उद्दीपन और दूसरा बाह्य उद्दीपन। सबसे पहले उद्दीपन के बारे में आप समझिए, उद्दीपन का मतलब होता है बाहरी वातावरण में होने वाला जो परिवर्तन, ये बाह्य उद्दीपन होते हैं। परंतु हमारे शरीर के अंदर भी एक वातावरण है, उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको हम आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। इस तरह से हमें प्रभावित जो करने वाले कारक है वो आंतरिक उद्दीपन है या फिर बाह्य उद्दीपन है। ठीक है, बाह्य उद्दीपन हमें जो प्रभावित करते हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रकाश हो सकते हैं, ताप हो सकते हैं, स्पर्श हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, बाह्य उद्दीपन है जो हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। और आंतरिक उद्दीपन क्या होते हैं तो अगर जंतुओं के अंदर देखें तो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो भूख लगना और प्यास लगना ये एक आंतरिक उद्दीपन का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, हमारे शरीर के भीतर के जो आंतरिक वातावरण है उसको उसमें परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के वजह से भी हमारे एक उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। पेड़ पौधों में भी इसी प्रकार के दो उद्दीपन प्रभावित करते हैं। पेड़ पौधों में प्रकाश होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, तापक्रम होते हैं, ये इन्हें प्रभावित करते हैं। और उसके अंदर जो आंतरिक उद्दीपन होते हैं वो अस्फीत दाब के वजह से होते हैं। अस्फीत दाब कहने का मतलब कि उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर जो जल होते हैं उसके उसके अनियमितता के कारण उसमें एक उद्दीपन क्रिएट होते हैं जिसको कि टर्गर प्रेशर कहते हैं, अर्थात टर्गर गति उसमें उत्पन्न होते हैं जो आंतरिक उद्दीपन के कारण उसमें होते हैं। तो उनमें हार्मोन वजह है जिसके कारण कि आंतरिक उद्दीपन उसमें होते हैं। तो इस तरह से आंतरिक उद्दीपन पौधों में भी होते हैं, बाह्य उद्दीपन पौधे में भी होते हैं और इस तरह से जंतुओं में भी आंतरिक और बाह्य उद्दीपन होते हैं। अब चले आते हैं कि अगर उनके अंदर पेड़ पौधों के अंदर अगर हम देखें तो पेड़ पौधे के अंदर जो उद्दीपन की प्रक्रिया होती है
उन उद्दीपन के प्रक्रिया के कारण उसमें क्या होते हैं, गति उत्पन्न होते हैं। प्रायः देखा गया है कि जो उच्च श्रेणी के पेड़ पौधे होते हैं वो अपने ही स्थान पर अस्थिर रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं होते हैं। इसलिए यहां पे क्या होते हैं, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण बल या जल, ये बाह्य उद्दीपन है जो उसके शरीर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन आंतरिक उद्दीपन के कारण उसके शरीर में वृद्धि होते हैं। तो उसके शरीर में वृद्धि होना भी एक तरह का क्या है, एक तरह का आंतरिक उद्दीपन का प्रभाव है, यानी उसमें उद्दीपन के वजह से वृद्धि हो सकते हैं। यानी पेड़ पौधों में अगर वृद्धि हुआ तो हम मानेंगे कि उसमें गतियां हुई है, ठीक है। या फिर उसके पत्ती का हिलना डुलना, पत्ती का सिकुड़ना, ये सब जो प्रक्रियाएं होते हैं वो अस्फीत दाब के वजह से होते हैं। तो अस्फीत दाब के वजह से भी अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ है या उसमें जो गतियां उत्पन्न होते हैं तो ये सारे उसके आंतरिक उद्दीपन के कारण होने वाले गति के उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग पेड़ पौधों में भी गति के बारे में देखते हैं। पेड़ पौधा में होने वाले जो सूक्ष्म गतियां हैं इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले पेड़ पौधों में होने वाले जो ये सूक्ष्म गतियां हैं इसके बारे में अध्ययन किया। पेड़ पौधों में होने वाले जो धीमी गति से विकास होते हैं या वृद्धि होते हैं इसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारे बांग्लादेशी वैज्ञानिक जिनको कि हम जेसी बोस कहते हैं, जगदीश चंद्र बोस कहते हैं, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का आविष्कार किया। उन यंत्रों के सहायता से इन्होंने पेड़ पौधों में होने वाले सूक्ष्म गतियां या उसके अंदर जो सेंसिटिवनेस है या जो उसमें संवेदनशीलता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी किया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस से संबंधित जो आ सकते हैं वो इनसे आ सकते हैं, इसके बारे में भी आप जानिए। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया और ये क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र है क्या? तो पेड़ पौधों के अंदर होने वाले जो सूक्ष्म गतियां हैं या उसके अंदर जो सेंसेशन है या उसमें संवेदनशीलता है उसके बारे में जानकारी करने के लिए जिस यंत्र का व्यवहार किया जाता है उसी को हम कहते हैं क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। और पेड़ पौधों में होने वाले जो वृद्धि होते हैं या इसके अंदर जो विकास होते हैं या जैव प्रक्रियाएं होते हैं उसके बीच समय का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानकारी करने के लिए एक विशेष विज्ञान में अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो क्रोनोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें पेड़ पौधों में होने वाले वृद्धि तथा उसमें होने वाले जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उसका समय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग उस विज्ञान में पढ़ते हैं जिसको कि क्रोनोलॉजी कहते हैं। जगदीश चंद्र बोस जो थे वो टेलीग्राफ नामक एक पौधा जिसको डेस्मोडियम भी कहते हैं, उन डेस्मोडियम पौधे के ऊपर उन्होंने अपना पूरा रिसर्च किए और उन्होंने ये पता किए हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर उत्तेजनशीलता होते हैं या संवेदनशीलता होते हैं ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों के शरीर के अंदर भी उत्तेजनशीलता होते हैं और उसके वजह से उसको भी दर्द का अनुभूति होते हैं या उसको भी कष्ट की अनुभूति होती है। तो ये रिसर्च करने वाले हमारे वैज्ञानिक जो थे वो जेसी बोस थे। अब चले आते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर जो गतियां होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधे के अंदर होने वाले गतियों के बारे में हम जानकारी करेंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे के अंदर होने वाली जो गतियां होते हैं वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रचलन गति और दूसरा होता है वक्रन गति, ठीक है। प्रचलन गति को हम मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन कहते हैं
और बकरन गति को मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये जो पेड़ पौधों में जो गतियां होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक है प्रचलन गति, जिसमें कुछ निम्न श्रेणी के पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ नहीं बोल सकते हैं, पौधे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। किसके वजह से स्थानांतरित होते हैं? तो ये जो स्थानांतरण इनका होता है वो या तो बाह्य उद्दीपन के वजह से होंगे या तो आंतरिक उद्दीपन के वजह से होंगे। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण अगर होता है तो उसी को हम प्रचलन गति कहते हैं। अर्थात निम्न श्रेणी के पौधों में होने वाले वे गतियां जिसमें निम्न श्रेणी के पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं, किनके प्रभाव से? उद्दीपन के प्रभाव से। अर्थात उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाले गति जिसमें पौधे का संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रचलन गति। ठीक है, और दूसरा है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, जिसको कि बकरन गति कहते हैं। तो देखिए बकरन गति जो होते हैं वो उच्च श्रेणी के पौधों में होते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो गतियां होते हैं उसमें क्या होते हैं कि पौधे के अंगों के स्थिति में परिवर्तन होते हैं। अर्थात इसमें पौधे का संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, परंतु उनके जो शरीर के अंग है उन अंगों के स्थिति में परिवर्तन होंगे। किसके वजह से? बाह्य अथवा आंतरिक उद्दीपन के वजह से। तो हम बकरन गति का परिभाषा किस प्रकार कर सकते हैं कि पौधों में होने वाले वे गतियां जिसमें बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से पौधे के अंगों के स्थिति में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें पौधे वृद्धि कर सकते हैं या फिर पौधे के पत्तियां, पौधे के फूल, ठीक है, ये सब के स्थिति में परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें दो प्रकार के मूवमेंट देखे जाते हैं। परंतु हम पहले प्रचलन गति के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रचलन गति कहते किसे हैं और इनके कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है, प्रचलन गति का दूसरा नाम टैक्टिक मूवमेंट है। अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। तो टैक्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स क्या है उसके बारे में आप जानिए। टैक्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स कहने का मतलब बाह्य अथवा आंतरिक उद्दीपन के कारण निम्न श्रेणी के पौधों के संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट या उसी को कहते हैं प्रचलन गति। अब प्रचलन गति दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप जानिए। प्रचलन गति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक स्वतः प्रचलन गति और दूसरा होता है प्रेरित प्रचलन गति। याद रखेंगे, एक ऑटोनोमस टैक्टिक मूवमेंट और दूसरा को कहते हैं प्रेरित यानी इंड्यूस्ड टैक्टिक मूवमेंट। तो स्वतः प्रचलन गति जो होते हैं उसमें क्या होंगे कि उसके आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से जो सूक्ष्म पौधे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में स्थानांतरण होते हैं, उसके संपूर्ण शरीर एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं स्वतः प्रचलन गति या ऑटोनोमस टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है सो देख लीजिए कि जो सूक्ष्म पौधे होते हैं वो तीन तरह से गति कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है साइक्लोसिस, दूसरा होता है एम्बॉयड और तीसरा होता है सिलियरी। ठीक है, तो तीन तरह के
जो गतियां होते हैं, स्वतः प्रचलन गतियां जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक है साइक्लोसिस, दूसरा है एम्बोइड और तीसरा है सिलियरी। अब साइक्लोसिस क्या है उसके बारे में समझिए। कुछ कुछ पौधे, सूक्ष्म पौधे ऐसे होते हैं जिसके शरीर के अंदर जो केंद्रक है उस केंद्रक के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण वो चक्रीय रूप से गति करते हैं। जिस तरह से चक्का चलते हैं उसी तरह से चक्रीय मूवमेंट उसमें होते हैं, तो इसी को कहते हैं साइक्लोसिस। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वेलिसनेरिया और चारा। वेलिसनेरिया और चारा दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये साइक्लोसिस का उदाहरण है और ये है क्या? ये है स्वतः टेक्टिक मूवमेंट, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ऑटोनोमस टेक्टिक मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो स्वतः प्रचलन गति में सबसे पहला जो उदाहरण है वो साइक्लोसिस है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है एम्बोइड। एम्बोइड मूवमेंट जो होता है वो अमीबा के जैसा मूवमेंट करते हैं, जिस तरह से अमीबा कूटपात बनाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, उसी तरह से कुछ पौधे जो होते हैं उसमें इस प्रकार के मूवमेंट होते हैं। और ये पौधा क्या है? इसका नाम है मिक्सोमाइसिटिस। याद रखेंगे मिक्सोमाइसिटिस नामक जो पौधा होते हैं वो एम्बोइड मूवमेंट करते हैं, अर्थात अमीबा के जैसा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। आप जानते हैं अमीबा एक जंतु होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जंतु होते हैं, उसमें एक फॉल्स फ्रूट बनता है, फॉल्स फूट बनता है जिसको कि हम कहते हैं कूटपात, और उन्हीं कूटपात के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। तो इसी तरह से ये पौधे भी गति करते हैं, इसलिए इसको एम्बोइड मूवमेंट भी कहते हैं, या हिंदी में इसको अमीबीय गति कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपका आ रहा है वो है सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट सिलिया के सहायता से मूवमेंट करेंगे, और सिलिया के सहायता से अगर पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इसी को हम कहते हैं सिलियरी मूवमेंट, जिसका उदाहरण अगर आपको पूछे तो वोल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनस। तो वोल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनस जो होते हैं उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये क्या करते हैं? तो ये इस तरह के मूवमेंट करते हैं, अर्थात सिलियरी मूवमेंट करते हैं, सिलिया के द्वारा प्रचलन की क्रिया करते हैं। तो चूंकि ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब है इंड्यू, ये सब जो होते हैं वो स्वतः होते हैं, इसलिए स्वतः इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आंतरिक उद्दीपन के कारण हुआ है, यानी उसके शरीर के अंदर जो उद्दीपन हुआ है उस उद्दीपन के कारण वो प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य होते हैं, प्रचलन करने के लिए बाध्य होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोनोमस टेक्टिक मूवमेंट या स्वतः प्रचलन गति। अब आता है कि बाह्य उद्दीपन के कारण भी कुछ सूक्ष्म पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड टेक्टिक मूवमेंट, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरित प्रचलन गति। अब ये जो एग्जाम में आपको आने वाले हैं वो ज्यादातर इसी के बारे में दिया जाता है, अर्थात वहां पे तो टेक्टिक मूवमेंट आपको लिखेंगे, परंतु आप समझ जाइए कि ये टेक्टिक मूवमेंट जो बताया जा रहा है ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये ज्यादातर आपको इंड्यूस्ड टेक्टिक मूवमेंट के बारे में ही पूछा जाता है, अर्थात प्रेरित प्रचलन गति के बारे में पूछा जाता है। प्रेरित प्रचलन गति कहने का मतलब आप बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाएंगे, तो इसी को कहते हैं प्रेरित प्रचलन गति, ठीक। अब प्रेरित प्रचलन गति में जो विभिन्न प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं वो आप देखिए। सबसे पहला जो है इसमें प्रेरित प्रचलन गति का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है फोटोटेक्टिक मूवमेंट। फोटोटेक्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? फोटोटेक्टिक कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश नामक उद्दीपन के प्रभाव से, अब प्रकाश तो बाह्य उद्दीपन है तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश नामक बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से
अगर सूक्ष्म पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं फोटोटेक्टिक। इसका उदाहरण आप देंगे बैक्टीरिया और एल्गी। जो बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं वो अधिक प्रकाश से दूर भागते हैं और मंद प्रकाश की तरफ जाने का कोशिश करते हैं। तो चूंकि यहां प्रकाश क्या है, उद्दीपन है, और इसलिए इसको हम फोटोटेक्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा चले आइए थर्मोटेक्टिक मूवमेंट। थर्मोटेक्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, थर्मो का मतलब होता है तापक्रम। तो थर्मोटेक्टिक मूवमेंट को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, है ना, इसको तापानुचलन गति भी कहते हैं, है ना। थर्मोटेक्टिक का मतलब तापानुचलन गति। तो तापानुचलन गति किसे कहते हैं, तो ताप नामक बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से अगर सूक्ष्म पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे ही हम तापानुचलन गति कहते हैं, या उसे ही हम क्या कहते हैं, थर्मोटेक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो थर्मोटेक्टिक मूवमेंट है ये किसमें होते हैं, क्लेमाइडोमोनस, ये भी एक तरह का एल्गी है। तो ये क्लेमाइडोमोनस जो होते हैं, ये क्लेमाइडोमोनस क्या करते हैं, तो गर्म जल की तरफ से वो मंद गर्म जल, यानी जिधर थोड़ा कम गर्म जल होते हैं उधर मूव करते हैं, यानी बहुत ज्यादा जो गर्म जल होते हैं ये इसके लिए उद्दीपन का काम कर रहा है, और उस उद्दीपन के प्रभाव से ये क्या करता है, कम गर्म जल यानी ठंडे जल की तरफ ये मूव करते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो कीमोटेक्टिक है। अब कीमोटेक्टिक जिसको कि रसायनानुचलन गति कहते हैं, याद रखिए ये सारे टेक्टिक मूवमेंट के भाग हैं। तो रसायनानुचलन गति को हम कीमोटेक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अभी रसायनानुचलन गति में क्या होते हैं, रसायन नामक उद्दीपन के प्रभाव से अगर कोई सूक्ष्म पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कीमोटेक्टिक, या उसी को कहते हैं रसायनानुचलन गति। अब इसका देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है मॉस। मॉस आप जानते हैं टेरिडोफाइट वर्ग का, ब्रायोफाइट वर्ग का एक प्लांट्स होते हैं जिसको कि हम मॉस कहते हैं। ठीक है, तो मॉस जो होते हैं उसका जो प्लांट्स होते हैं उसके जो एंथ्रोजॉइड होते हैं यानी मेल गेमिट जो होते हैं, वो मेल गेमिट जो होते हैं मेलिक एसिड के प्रभाव से वो उसके एग के तरफ, अर्थात उसके जो फीमेल गेमिट है, ठीक है, उस ओभम जिसको कहते हैं, उस ओभम के तरफ वो गति करते हैं। तो इस तरह के जो गतियां होते हैं उसी को हम कहते हैं कीमोटेक्टिक गति। और फर्न का जो एंथ्रोजॉइड होता है वो ग्लूकोज नामक जो रासायनिक पदार्थ है उसके प्रभाव से वो उसके उगोनियम की तरफ गति करते हैं, अर्थात उसके जो अंडाणु होते हैं या उसके जो फीमेल गेमिट होते हैं उस फीमेल गेमिट की ओर उसका एंथ्रोजॉइड गति करते हैं। तो इस तरह से एंथ्रोजॉइड का विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से उसके तरफ गति करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम कहते हैं कीमोटेक्टिक मूवमेंट, उसी को कहते हैं रसायनानुचलन गति। तो इस तरह से आप टेक्टिक मूवमेंट के बारे में समझ गए हैं कि इसके तीन भाग मुख्य रूप से होते हैं। एक और है एरोटेक्टिक। एरोटेक्टिक कहने का मतलब वायु नामक उद्दीपन के प्रभाव से अगर कोई सूक्ष्म पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं तो उसी को एरोटेक्टिक कहते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो ऑक्सीजन जिधर होता है अधिक उधर मूव कर जाते हैं यानी आकर्षित हो जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन जिधर रहता है उससे दूर भागते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी में पॉजिटिव एरोटेक्टिक होते हैं तो किसी में निगेटिव एरोटेक्टिक होते हैं। तो ये सारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक्स बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रभाव से ऑक्सीजन की तरफ ही मूव करते हैं, और जो एनएरोबिक होते हैं वो ऑक्सीजन से दूर भागते हैं। तो इस तरह से एक और टेक्टिक मूवमेंट आप जान गए, उसको हम कहते हैं एरोटेक्टिक मूवमेंट। ठीक है, हाइड्रोटेक्टिक मूवमेंट।
एक और छठा नंबर का हाइड्रोटेक्टिक। हाइड्रोटेक्टिक कहने का मतलब कि अगर जल नामक उद्दीपन के प्रभाव से कुछ सूक्ष्म जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोटेक्टिक मूवमेंट। इसमें दरअसल देखा गया है कि कुछ एल्गी जो होते हैं, कुछ एल्गी नहीं बल्कि प्रायः एल्गी जो होते हैं वो शुष्क भूमि से नम भूमि के तरफ मूव करने लग जाते हैं। अर्थात जिधर शुष्क भूमि होते हैं उधर से वो मूव करते हुए जिधर नम भूमि होते हैं मतलब जिधर जल की ज्यादा जिधर होते हैं उस ओर वो क्या करते हैं गति करने लगते हैं। तो उसी को कहते हैं हाइड्रोटेक्टिक मूवमेंट, यानी उसको जलानुचलन गति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रसायनानुचलन गति, जलानुचलन गति और वायुनुचलन गति, तो ये सारे टेक्टिक मूवमेंट का उदाहरण है। अब चले आइए आप बकरन गति। बकरन गति जिसको कि हम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्पोंटेनियस होगा यानी जिसको स्वतः बकरन गति कहते हैं, स्पोंटेनियस मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, और दूसरा होगा इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर जिसको कि हम कहते हैं प्रेरित बकरन गति। अब टेक्टिक मूवमेंट के बाद हम लोग बकरन गति में आते हैं, तो बकरन गति में भी हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, बकरन गति के दो प्रकार क्या-क्या हो गए, एक स्वतः बकरन गति और दूसरा क्या हुआ, दूसरा प्रेरित बकरन गति। अब स्वतः बकरन गति के बारे में समझिए। ये देखिए, ये जो बकरन गति होते हैं ये उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पौधे स्थानांतरित नहीं होते हैं, इनके जो अंग होते हैं वही अंग जो होते हैं वो अपने स्थिति में परिवर्तन करते हैं। अर्थात इसमें ज्यादातर ग्रोथ होने की संभावना होती है और स्थिति में परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं कि इसमें भी दो प्रकार के जो होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि स्वतः बकरन गति, तो इसके भी विभिन्न प्रकार के भाग हो जाते हैं। तो स्वतः बकरन गति के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो होते हैं वो होते हैं वृद्धि गति जिसमें पौधों में वृद्धि होते हैं, और दूसरा होते हैं मूवमेंट ऑफ वेरिएशन जिसको कि कहते हैं परिवर्ती गति। तो परिवर्ती गति होते हैं और वृद्धि गति होते हैं। तो सबसे पहले वृद्धि गति के बारे में हम देखते हैं। ये हम लोग किसको देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं जिसमें कि स्पोंटेनियस मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होते हैं, अर्थात जो हम कहते हैं स्वतः बकरण गति, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग क्या क्या, वृद्धि गति होते हैं और परिवर्ती गति होते हैं। अब वृद्धि गति में देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला होता है न्यूटेशन। जो न्यूटेशन होते हैं वो कौन से पेड़ पौधों में होते हैं और किस तरह से होते हैं, तो न्यूटेशन जो होते हैं वो प्रायः ऐसा होते हैं कि इनकी कोशिकाएं अनियमित तरीके से वृद्धि करते हैं, और अनियमित तरीके से वृद्धि करने के बाद अग्रभाग का जो तना होते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे पान का पौधा देखिए या सेम का लत देखिए, उसमें क्या होता है वो कभी भी सीधा वृद्धि नहीं करते हैं बल्कि जिग जैग की स्थिति में वो वृद्धि करते हैं, तो इसको हम न्यूटेशन कहते हैं। तो न्यूटेशन ये इसका पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा होता है सरकम न्यूटेशन। सरकम न्यूटेशन में होते क्या है, ये ज्यादातर टेंड्रिल में देखे गए हैं। जैसे मटर का टेंड्रिल आप देख लीजिए, तो मटर का टेंड्रिल ऊपर की जो तीन पत्तियां होते हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात वो स्प्रिंग नुमा रचना बनाते हैं। वो स्प्रिंग क्या होते हैं, किसी भी सहारे के साथ वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं। इसमें देखा गया है कि जो जिस भाग में उसका स्पर्श होता है यानी जिसके ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक है, उससे जो अंग उसके स्पर्श करते हैं उस भाग में उसका वृद्धि कम होते हैं, और जो उसके माने पेरीफेरी वाला जो भाग होता है उसमें वृद्धि ज्यादा होता है, जिसके कारण कि क्या होता है वो उसके चारों तरफ लिपट करके वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसको हम सरकम न्यूटेशन कहते हैं। तो याद रखेंगे ये सरकम न्यूटेशन होते हैं जो मटर के पौधे में होते हैं,
या और भी जो कद्दू है, कुमड़ा है, ये सब में भी जो टेंड्रिल निकलते हैं तो वो टेंड्रिल में इस प्रकार के गति देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हाइपोनास्टी। हाइपोनास्टी किसको कहते हैं? तो जिस समय आप केला या अरुई, दो पौधा है, उन पौधे का जो पत्तियां होते हैं उसको देखिए, जिस समय वो जन्म लेते हैं, जिस समय पत्तियां निकलते रहते हैं, उस समय उसका पत्तियां फोल्डेड होते हैं। तो फोल्डेड होने का मतलब क्या है कि उसके जो पृष्ठ भाग में है उसकी कोशिकाओं में वृद्धि काफी अधिक होते हैं, और जो उसका अंदरूनी भाग है यानी उसका जो वेंट्रल सरफेस है जिसको अधर सतह भी कहते हैं, तो अधर सतह की कोशिकाओं में कम वृद्धि होते हैं और पृष्ठ सतह की कोशिकाओं में अधिक वृद्धि होते हैं, जिसके कारण कि क्या होते हैं कि उसकी पत्तियां सिकुड़ जाते हैं यानी वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं और इस तरह से लिपटे हुए पत्तियां नजर आते हैं। ठीक है। और इपिनास्टी, इपिनास्टी कब होते हैं? जब ये पत्तियां बड़े होने लग जाते हैं, तो बड़े जब होते हैं तो देखिएगा ये पत्तियां जो ऐसे सिकड़ा हुआ है वो धीरे धीरे ऐसे खुल जाता है, तो इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा यानी इसके अधर सतह जो होते हैं वो अधर सतह की कोशिकाएं बढ़ने लगते हैं और इधर जो पृष्ठ सतह की जो कोशिकाएं होते हैं उसमें वृद्धि कम होने लगते हैं, जिससे कि वो फिर से क्या हो जाते हैं, इस तरह से फैल जाते हैं। तो फैलने का जो क्रिया होते हैं वो किस तरह के प्रक्रिया होते हैं, तो उसको इपिनास्टी कहते हैं। तो इस तरह से केला में हम लोग हाइपोनास्टी भी देखते हैं और इपिनास्टी भी देखते हैं, तो इस तरह के गतियां उसमें देखे जाते हैं। तो ये सारे जो गतियां आपने देखे हैं ये क्या है, ये हमारे स्वतः वक्रन गति का भाग हुआ जो वृद्धि गति से संबंध रखते हैं, अर्थात इसमें पौधों में वृद्धि होते हैं। उसके बाद आता है इसी का जो दूसरा भाग जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, यानी वक्रन गति का दूसरा जो पार्ट है वो मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। वक्रन गति यानी स्वतः वक्रन गति का जो दूसरा भाग है वो है मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं में जल की अधिकता और जल की कमी होने से पौधे के भीतर के जो कोशिकाएं होते हैं उसके अंदर जल की कमी अथवा अधिकता होता है, जिसके कारण कि उसके अंग में मूवमेंट होने लग जाते हैं। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं परिवर्ती गति। जैसे टेलीग्राफ के पौधा में हम लोग देखते हैं कि उसके जो नीचे के जो पत्तियां होते हैं वो इस तरह से प्रकाश के तीव्रता के कारण हो या फिर उसके अंदर जल के स्फीत में बदलाव होने के कारण या परिवर्तन होने के कारण उसकी पत्तियां ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। अब चले आते हैं वक्रन गति का जो इंड्यूस्ड होते हैं, अर्थात प्रेरित वक्रन गति, जो परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इस बार भी जो 2021 में माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रेरित प्रचलन गति, जो इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं और उसमें जो विभिन्न प्रकार के भाग हैं उसको बता चुके हैं, उससे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और प्रेरित वक्रन गति से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है। अब प्रेरित वक्रन गति में दो आते हैं, एक आते हैं ट्रॉपिक गति, ठीक है, और दूसरा आता है नास्टिक गति। तो देखिए आपको ट्रॉपिक गति से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और नास्टिक गति से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रॉपिक गति के बारे में देखिए, जिसको कि अनुवर्तन गति कहते हैं। ट्रॉपिक गति का हिंदी में कहते हैं अनुवर्तन गति, सॉरी अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति आखिर है क्या? ठीक है। ये एक प्रकार का वक्रन गति है, लेकिन कौन सा वक्रन गति? ये प्रेरित गति है। ठीक है। तो प्रेरित वक्रन गति है जिसमें कि उद्दीपन के दिशा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में होने वाली वे गतियां जिसमें बाह्य उद्दीपन के दिशा का प्रभाव से पौधों के अंगों की स्थिति में परिवर्तन होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक गति या उसी को कहते हैं अनुवर्तन गति। याद रहेगा किसे कहते हैं? उच्च श्रेणी के पौधों, चूंकि ये उच्च श्रेणी के पौधों में ही होते हैं, इसलिए परिभाषा जब इसको करेंगे तो लिखेंगे
उच्च श्रेणी के पौधों में बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से, बाह्य उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से, मतलब बाह्य उद्दीपन जो होगा उसका दिशा का प्रभाव पड़ेगा, उसके प्रभाव से होने वाले पौधों के अंगों के स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं और इससे जो गतियां उत्पन्न होते हैं उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक गति, उसी को कहते हैं अनुवर्तन गति। और दूसरा होता है अनुकुंचन गति, जिसको कि नास्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट क्या है? नास्टिक मूवमेंट का अगर परिभाषा देना चाहेंगे तो उसमें आप लिखेंगे उच्च श्रेणी के पौधों में होने वाली वे गतियां जिसमें बाह्य उद्दीपन के तीव्रता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और पौधों के अंगों के स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसी को हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट, उसी को कहते हैं अनुकुंचन गति। तो आप दो प्रकार के गतियां देख लिए हैं, एक ट्रॉपिक देख लिए हैं, एक नास्टिक देख लिए हैं। ट्रॉपिक जिसको कि अनुवर्तन गति कहते हैं, इसमें उद्दीपन के दिशा का प्रभाव पड़ता है, और नास्टिक गति जिसको कि हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनुकुंचन गति, जिसमें उद्दीपन के तीव्रता का प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? अब ट्रॉपिक गति जो होते हैं उसके क्या कुछ भाग होते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले देखिए, जो ट्रॉपिक गति होते हैं उसके भी कई भाग होते हैं। सबसे पहले देखिए प्रकाशानुवर्तन गति, जिसको कि हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक गति, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? उच्च श्रेणी के पौधों के अंदर होने वाले वे गतियां जिसमें प्रकाश नामक बाह्य उद्दीपन के दिशा का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश नामक बाह्य उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से पौधों के अंगों के स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं तो उसे ही हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, उसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिक गति। क्लियर? फोटोट्रॉपिक गति उसी को कहते हैं। अब ये जो फोटोट्रॉपिक गति होते हैं इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो पौधों को, पौधे के जो तने में होने वाली गतियां हैं उसी को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक गति, क्योंकि पौधे के तने हमेशा सूर्य के प्रकाश के दिशा की तरफ ही ग्रो करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की दिशा की तरफ ग्रो करने का मतलब ही हुआ कि उसमें क्या हुआ, प्रकाश नामक उद्दीपन काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें वृद्धि होता है किधर, प्रकाश के दिशा की तरफ होता है, इसलिए इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी तीन तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, एक निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और एक डाया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब सबका एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर प्रकाश के दिशा की तरफ यानी प्रकाश नामक उद्दीपन के दिशा के तरफ अगर पौधे का कोई अंग ग्रो करता है, वृद्धि करता है या अपने अंगों के स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसी को हम कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें आप किसी भी तना का प्रकाश के दिशा तरफ, दिशा की ओर वृद्धि करने की प्रक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। और इसके विपरीत अगर हम अगर पूछा जाए निगेटिव फोटोट्रॉपिक, तो आप बताएंगे कि जड़ जो होते हैं, पौधे के जड़ जो होते हैं वो हमेशा प्रकाश के जिधर दिशा होते हैं उसके विपरीत दिशा में वो वृद्धि करते हैं, तो इसको निगेटिव फोटोट्रॉपिक कहेंगे। और निगेटिव फोटोट्रॉपिक का उदाहरण आपका हुआ जड़ का प्रकाश के विपरीत दिशा की तरफ गति करना, ठीक है। अब चलते हैं डाया फोटोट्रॉपिक। डाया फोटोट्रॉपिक किसको कहते हैं कि जो प्रकाश के दिशा के समकोण की स्थिति में वृद्धि करना, जैसे पत्तियों की वृद्धि, जो पत्ती वृद्धि करते हैं वो हमेशा सूर्य के प्रकाश के दिशा के लंबवत वृद्धि करते हैं, इसलिए पत्तियों में होने वाला जो गति होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के गति होते हैं, वो है आपका डाया फोटोट्रॉपिक गति। तो तीनों का उदाहरण समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा गति,
अब इसमें हम दूसरा गति देखने जा रहे हैं जिसको कि कहते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है, पहला हुआ प्रकाशानुवर्तन गति जिसमें प्रकाश नामक उद्दीपन था, अब आता है गुरुत्वानुवर्तन गति। तो गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति कहने का मतलब हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल नामक उद्दीपन के प्रभाव से अगर पौधों के अंगों के स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे ही गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। इसमें भी तीन प्रकार के भाग हो सकते हैं, एक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति, एक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति और तीसरा होता है डाया गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए आप, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा के तरफ वृद्धि करे, यानी पौधा का कौन सा भाग है जो गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा के तरफ ग्रो करते हैं? पौधे के जड़ होते हैं जो कि हमेशा क्या करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा के तरफ वृद्धि करते हैं या बढ़ते हैं, तो उसी को हम कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति, अर्थात वो हमेशा मिट्टी के तरफ, भूमि के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की तरफ वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत जो तना में वृद्धि होते हैं वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वृद्धि होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति, क्योंकि उनके जो तने होते हैं वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वृद्धि करते हैं। एक ऐसा जड़ का उदाहरण आप बताइए जिसमें कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक ऐसे जड़ का एग्जाम्पल बताइए जो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति करते हैं, तो आप इसका उदाहरण क्या बताएंगे? सुंदरी का जड़। सुंदरी का कुछ श्वसन मूल जड़े जो होते हैं, सभी जड़े ऊपर नहीं आते हैं, जो श्वसन मूल जड़ होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं, अर्थात वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा के तरफ ग्रो करने लग जाते हैं, जिसको कि हम न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। ये क्या है? ये सुंदरी में होने वाला एक अनुकूलन है, एडेप्टेशन है। इस एडेप्टेशन के कारण वो क्या होता है, श्वसन क्रिया करने के लिए ऊपर की तरफ ग्रो करने लगते हैं, उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, उस ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ही वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि दलदल भूमि में पैदा होने के कारण नीचे जो मिट्टी के अंदर का भाग है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बता सकते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति, जो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति जड़ में पाए जाते हैं वो आपका है सुंदरी का पौधे के जड़। ठीक है, अब डाया जियोट्रॉपिक गति किसको कहते हैं? तो जो सेकेंडरी रूट होते हैं, जो प्राइमरी रूट होते हैं वो तो ठीक सीधे जमीन के भीतर ग्रो करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी रूट होते हैं अर्थात जो द्वितीयक जड़े होते हैं, वो द्वितीयक जड़े हमेशा क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा के लंबवत वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं डाया जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो इस तरह से गुरुत्वानुवर्तन गति भी आप देख लिए हैं। अब आता है आपका जलानुवर्तन गति। अब जलानुवर्तन गति किसे कहते हैं? तो जल नामक उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से पौधों के अंदर होने वाले जो गतियां होते हैं उसे ही हम जलानुवर्तन गति कहते हैं। अब जलानुवर्तन गति में भी हम दो देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? तो एक जो जल नामक उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से पौधों के अंगों में गति होते हैं, जिसको कि धनात्मक जलानुवर्तन गति कहते हैं, और दूसरा ऋणात्मक जलानुवर्तन गति कहते हैं। तो पौधे की जड़ें जो होते हैं वो हमेशा जल के खोज में नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम जलानुवर्तन गति का धनात्मक जलानुवर्तन गति कहेंगे, और तना हमेशा क्या होता है, जल के दिशा के विपरीत ग्रो करते हैं, अर्थात हम लोग मिट्टी में जल डालते हैं लेकिन तना क्या होता है, मिट्टी के ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, इसलिए इसको हम ऋणात्मक जलानुवर्तन गति कहते हैं। तो तना में होने वाला जो गति है उसको ऋणात्मक जलानुवर्तन गति भी कहते हैं। तो इस तरह से आप ट्रॉपिक गति को समाप्त कर लिए, ये सारे ट्रॉपिक गति के उदाहरण है।
अब चले आइए नास्तिक गति। नास्तिक गति क्या है, जिसको अनुकुंचन गति कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, बाह्य उद्दीपन यहां पे क्या होगा, बाह्य उद्दीपन के तीव्रता होगा। बाह्य उद्दीपन तो वही होंगे, परंतु यहां पर बाह्य उद्दीपन के तीव्रता के प्रभाव से पौधों के अंगों के स्थिति में परिवर्तन होंगे, तो उसी को हम कहेंगे नास्तिक मूवमेंट और उसी को कहेंगे अनुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, तो अनुकुंचन गति के भी विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, वो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखिए फोटोनास्टिक मूवमेंट, जिसको कहते हैं प्रकाशानुकुंचन गति। प्रकाश नामक उद्दीपन के तीव्रता से पौधों के अंगों के स्थिति में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, तो प्रकाशानुकुंचन गति कहते हैं, या इसी को फोटोनास्टिक गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको सूरजमुखी का फूल दिखाई देंगे, क्योंकि सूरजमुखी का फूल हमेशा क्या होता है, प्रकाश के प्रभाव से ही, वो प्रकाश के दिशा के तरफ, उस प्रकाश के तीव्रता के कारण ही वो खिलते हैं। ठीक है, और रात रानी भी इसका उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रकाश अगर नहीं हुआ, यानी प्रकाश समाप्त हो गए रात के समय में, वो फूल खिलते हैं, यानी उसके लिए प्रकाश यहां पर क्या करता है, निगेटिव इफेक्ट करता है ना, क्योंकि प्रकाश रहेगा तो वो नहीं खिलेगा, प्रकाश नहीं रहने से वो फूल खिलते हैं। तो इस तरह से प्रकाश ही उसको क्या किया, प्रभावित किया। तो सूरजमुखी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, रात रानी का एग्जाम्पल दे सकते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट का। ठीक है, दूसरा आ जाता है थर्मोनास्टिक। थर्मोनास्टिक कहने का मतलब कि जो ट्यूलिप का फूल होते हैं या क्रोकस जो फूल होते हैं, वो जो खिलते हैं वो ताप के प्रभाव से ही खिलते हैं, तो इसलिए इसमें जो होने वाली गतियां हैं उसको हम कहते हैं थर्मोनास्टिक, अर्थात ताप नामक उद्दीपन की तीव्रता के प्रभाव से। ठीक है, पौधों के अंगों के अंदर होने वाला जो स्थिति में परिवर्तन है उसी को हम कहते हैं थर्मोनास्टिक कहते हैं, उसी को हम कहते हैं तापानुकुंचन गति। और तापानुकुंचन गति में आप क्या देखेंगे कि जो ट्यूलिप का फूल है या फिर जो क्रोकस का फूल है वो खिलते हैं ताप के प्रभाव से। ठीक है, तीसरा चले आते हैं निक्टिनास्टिक। निक्टिनास्टिक में क्या होता है कि इसमें ताप और प्रकाश दोनों के तीव्रता का एक सम्मिलित प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कि पौधों के अंगों के स्थिति में परिवर्तन होते हैं। इसमें आपको नागफनी सबसे अच्छा उदाहरण है। तो नागफनी जो होते हैं, उस नागफनी में इस तरह के मूवमेंट देखे जाते हैं, उसके फूल के खिलने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो उसको हम निक्टिनास्टिक के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद चले आते हैं कीमोनास्टिक, जिसको कि हम कहते हैं रसायनानुकुंचन गति। ठीक है, तो रसायनानुकुंचन गति क्या है, इसमें रासायनिक पदार्थ नामक उद्दीपन के तीव्रता के प्रभाव से पौधों में गतियां होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, कीमोनास्टिक कहते हैं, उसको रसायनानुकुंचन गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कलश पादप, ठीक है, डायनिया ड्रोसेरा, ये सब जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के प्रभाव से उसकी जो अंग होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं। अर्थात जब भी कोई कीट पतंग उसके ऊपर बैठते हैं तो उसका जो अंग होते हैं वो सिकुड़ करके उसे अपने अंदर बंद कर लेते हैं, और इस तरह से ये पौधे वैसे जगह में उत्पन्न होते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होते हैं, और यही कारण है कि वो नाइट्रोजन की आपूर्ति कीट पतंगों के अंदर जो नाइट्रोजनस प्रोटीन्स होते हैं उस प्रोटीन्स को ग्रहण करने के लिए वो क्या करता है, वो अपना मूवमेंट करते हैं। तो चूंकि यहां पे रासायनिक पदार्थ की तीव्रता के कारण उसमें गति हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं कीमोनास्टिक, या इसी को कहते हैं रसायनानुकंचन गति। अब एक और आता है सिस्मोनास्टिक, जिसको कि स्पर्शानुकंचन गति कहते हैं, हिंदी सबका समझ लीजिए, स्पर्शानुकंचन गति। तो स्पर्शानुकंचन गति में क्या आएंगे, इसमें आपको स्पर्श आघात, ठीक है, या प्रतिघात जो भी हो, उसके प्रभाव से अगर पौधों घर्षण, घर्षण भी हो सकते हैं,
तो आघात हो, घर्षण हो या फिर स्पर्श हो, तो इसके तीव्रता के कारण जो पौधों के अंगों में परिवर्तन होते हैं तो उसी को सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं, उसी को स्पर्शानुकंचन गति कहते हैं। तो देखिए हिंदी भी जानिए और अंग्रेजी भी जानिए, स्पर्शानुकंचन गति। तो स्पर्शानुकंचन गति किसमें होते हैं, तो यहाँ पे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण आप दे सकते हैं माइमोसा पुडिका, जिसको कि लाजबंती भी कहते हैं, जिसको कि छुई मुई भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, लाजबंती कहिए, छुई मुई कहिए, या फिर माइमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, आप माइमोसा पुडिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं इसी को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं बोलिए, इसको कहते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है, यानी स्पर्शानुकंचन गति। तो हम समझते हैं कि आज का ये जो वीडियो प्लांट मूवमेंट से संबंधित था ये आप पूरा किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, इसमें भी हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इस तरह से लेक्चर देंगे। आप इस लेक्चर को अगर पसंद करते हैं तो हमारा इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।